Welcome you all in Vagisha channel. Today I am going to explain you how to use of image tag to insert picture or images and to make photo gallery for your web page only in ten minutes. So

इमेज को इमेज मतलब आई एन जी टैग लिखे हैं एंड देन टी एजी यूज़ ऑफ इमेज टैग इमेज टैग का मैंने बेसिकली इसमें यूज़ दिखाया है इसलिए मैंने इमेज यूज़ ऑफ़ इमेज टैग लिखा है आप अपना हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं एंड देन टाइटल को मैंने बंद किया दैन हेड को बंद किया है एंड देन बॉडी टैग को यूज़ करेंगे हम बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखेंगे जो भी uh, करेंगे वो हमारा वेब पेज पे दिखेगा एंड देन बिजी कलर बॉडी का एट्रीब्यूट है इसको यूज़ करेंगे और डबल डबल कोटेशन के अंदर में येल्लो लिखेंगे जो कि हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड कलर होगा ओके एंड देन एंगल और रैकेट बंद करेंगे एंड बॉडी के बाद हमें कुछ वेब पेज पे आना चाहिए कंटेंट तो हमने पहले सेंटर लिखा है कि जो भी लिखेंगे वो हमारे सेंटर पे आएगा एंड फॉन्ट फॉन्ट टैग का यूज़ किया है एंड साइज़ जो कंटेंट हम लिखेंगे उसका साइज़ साइज़ को हमने डबल कोटेशन में टेन uh, लिखा है आप कुछ भी लिख सकते हो मैंने टेन डाला है एंड देन जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका भी कलर हम डाल देते हैं कि हमारा टेक्स्ट का क्या कलर होना चाहिए तो टेक्स्ट लिखेंगे देन इक्वल टू एंड डबल कोटेशन में आप कल, कलर लिखो जैसे मैंने ब्लू लिखा है आप अपने हिसाब से जो भी लिख सकते हो एंड उसके बाद आपका क्या कंटेंट है जो कंटेंट है वो हम कंटेंट लिखेंगे तो मैंने लिखा है यूज़ ऑफ इमेज टैग दैट इज इमेज टैग को ही हम लोग आई टैग बोलते हैं आई करके लिखते हैं तो मैंने आई लिख दिया आई टैग ब्रैकेट में इमेज डाला है इमेज ये गैलरी क्रिएट होगा ठीक ना फोटो गैलरी मैंने ऐसे लिखा है यूज़ ऑफ़ इमेज टैग क्योंकि मैंने इमेज टैग के थ्रू इसमें पिक्चर को इनशॉर्ट किया है आप को uh, स्टेटमेंट या जो भी लिखना चाहते हैं आप फोटो गैलरी सिर्फ लिख सकते हैं यूज़ ऑफ इमेज टैग ट्विनशर्ट पिक्चर ओके ना हम लोग फॉन्ट को बंद करेंगे फॉन्ट एंड देन सेंटर को बंद करेंगे तो हमारा कंटेंट क्या है जो कंटेंट लिखा है वो हमारा सेंटर में दिखेगा उसका फॉन्ट टेन और कलर ब्लू होगा एंड देन हम लोग इमेज टैग लगाते हैं आई एम जी सॉरी एच आर एच आर टैग से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन नए लाइन के लिए बी आर टैग जो होता है सो तो लाइन ब्रेक के लिए होता है तो नए लाइन में हमने बी आर नए लाइन के लिए बी आर टैग लगाया फिर आई एम जी एस आर सी मतलब इमेज एंड एस आर सी इसका एट्रीब्यूट है जिससे हम लोग फाइल का सोर्स लोकेशन डालते हैं कि आपका जो पिक्चर है वो कहाँ पर है तो सर दर इक्वल टू एंड देन मैंने ये, ये एस टी एम एल एक फोल्डर है उसमें सारा पिक्चर रखा है वहाँ से पिक्चर के प्रॉपर्टीज़ पे जा करके इसको लोकेशन को कॉपी किए लोकेशन पे जाइए एंड पूरा सेलेक्ट करिए और उसको कॉपी करिए उसके बाद आप अपना नोटपैड फाइल खोल लीजिए यहाँ पर आपको जो लोकेशन डालेंगे वो आपका डबल कोटेशन की जाएगा तो मैं पहले डबल कोटेशन डबल कोटेशन डाली फिर यहाँ पर मैंने जो वहाँ से लोकेशन कॉपी की थी वहाँ पे पेस्ट किया ठीक है एंड देन फाइल का नाम क्या है जो मेरा पिक्चर है उस पिक्चर का नाम डालना होगा तो मैं ऐसे बता रही हूँ आप देख के लिख भी सकते हो बट मैं एग्जैक्ट कॉपी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कॉपी करने भी आ जाए एंड देन यहाँ पर हम लोग जो मेरा ये फाइल है ये पिक्चर है जो मेरा वहाँ पे गैलरी में आएगा फोटो गैलरी में एंड देन बॉर्डर जो पिक्चर है उसका बॉर्डर का साइज़ कितना होना चाहिए तो मैंने फोर डाला है आप अपना हिसाब से कुछ भी डाल दो एंड विर्थ कितना विर्थ कितना चौड़ाई और हाइट होना चाहिए उसके लिए मैंने विर्थ के लिए विर्थ एट्रीब्यूट जो कि इमेज का एट्रीब्यूट है विर्थ को यूज़ किया है और थ्री हंड्रेड डाला है एंड हाइट कितना हाइट होना चाहिए हमारे पिक्चर का थ्री हंड्रेड एंड देन ये मेरा एक पिक्चर हुआ एक पिक्चर आएगा मेरा एंड देन फिर से मैं नेक्स्ट पिक्चर के लिए क्या करती हूँ उसी को कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि टाइम लगेगा यह फुल में कॉपी की हूँ इसको पेस्ट कर दी अब मैं सिर्फ चूँकि मेरा सारा फाइल एक ही फोल्डर में एस टी एम एल फोल्डर में है तो मैं सिर्फ़ फ़ाइल का नाम चेंज कर देती हूँ इस जगह पे यहाँ पे गई ये सेकेंड वाले को मैं प्रॉपर्टी पे जाऊँगी प्रॉपर्टी पे जाके फाइल का जो नाम है उसको कॉपी करना है कॉपी करके मैं यहाँ पे इस जगह पे एस टी एम एल फोल्डर के बाद पेस्ट कर दूँगी एंड देन डबल कोटेशन जो भी लिखेंगे डबल कोटेशन में लिखेंगे तो लोकेशन डबल कोटेशन में बॉर्डर वगैरह मैं सेम रखी हूँ फोर है विथ और हाइट थ्री हंड्रेड है फिर मैंने थर्ड इमेज के लिए भी ये कॉपी पेस्ट किया है इमेज लिखा है फिर यहाँ भी ये लोकेशन मेरा सेम है बस जस्ट फाइल का नाम चेंज कर देंगे एक ही फोल्डर में फ़ाइल जो भी पिक्चर आपको लगाना है एक फोल्डर में रखेंगे तो आपको वहाँ पे आ, लोकेशन डालने में इजी होगा मैंने भी एक ही फोल्डर में रखा है अदरवाइज़ आपका जहाँ भी फाइल है जहाँ भी पिक्चर है आप उसका जस्ट लोकेशन कॉपी करें और वहाँ पे पेस्ट कर दें तो लोकेशन कॉपी किया हुआ है एंड देन यहाँ पर मैंने आ, फाइल का नाम डाल दिया है तो मेरा कितना पिक्चर हो गया वन टू थ्री थ्री पिक्चर मैंने इंसर्ट किया है बॉर्डर वगैरह सारा मेरा सेम है बॉर्डर और विट्थ फिर मैंने फोर्थ पिक्चर के लिए भी आई एम लिखा फिर मैं दूसरा नेक्स्ट पिक्चर जो है उसका मैं कॉपी की यहाँ पे लोकेशन तो सेम मैंने डाला है जस्ट फाइल का नाम चेंज कर दिया डबल कोटेशन एंड देन बॉर्डर वगैरह सब सेम है आप अपना हिसाब से छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हो विथ को मैंने थ्री हंड्रेड लिया है एंड हाइट को भी मैंने थ्री हंड्रेड लिया है तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो हाइट इक्वल टू थ्री हंड्रेड जो भी एट्रीब्यूट आप जो भी डालना चाहते हो सारा कुछ डबल कोटेशन के अंदर होता है अगर डबल कोटेशन में नहीं होगा फाइल का लोकेशन सही नहीं डालोगे तो आपका पिक्चर इन नहीं होगा प्रॉब्लम आएगा एंड देन नेक्स्ट पिक्चर भी मैं करती हूँ ये मेरा फिफ्थ इमेज इंसर्ट होगा जस्ट मैं फ़ाइल का नाम चेंज करूँगी क्योंकि मेरा एक ही फोल्डर में है फाइल का नाम मैं देख लेती हूँ क्या नेक्स्ट फाइल है दिस इस वन इसका फाइल का नाम कॉपी किया आपको कॉपी करना है आप देख के भी लिख सकते हो फाइल का नाम देख लो और लिख लो बट नाम सेम होना चाहिए कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए अदरवाइज आपका फाइल इंशर्ट नहीं होगा ये हो गया नेक्स्ट पिक्चर फिर से मैंने इंसर्ट किया फिर से यहाँ पर जस्ट फाइल का नाम चेंज किया फाइल का नाम इसमें मैंने ऐसा कुछ डाला जो मेरा फोल्डर में नहीं है बट मेरा लोकेशन सेम है तो अगर आप इस तरह से डालते हो तो आपका पिक्चर एरर बताता है तो मैं चाहती हूँ कि इस टाइप का कुछ मैसेज आए जो आपको दिखे उसके बाद मैं बताऊँगी कि इस में जो एरर दिखे उसके जगह पे कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए जस्ट मैंने फ़ाइल को सेव किया सेव पे जाना है आप मैंने एस फोल्डर में ही सेव करना है डेस्कटॉप पे एस है वहाँ पे मैं गई वहाँ फाइल इस जगह मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगी फाइल का नाम कुछ भी डालो फाइल का नाम डिपेंड नहीं करता है बट फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है बट डॉट करके एच लिखना है जैसे मैंने फाइल का नाम फाइल रखा है एंड डॉट एच तो ये देखो इस टैप का फोल्डर बनेगा आप जिस फोल्डर में सेव किए वहाँ पे जाओ और उस पर राइट क्लिक करना है एंड उसको ओपन करना है ये देखो ये खुल जाएगा ओके ये देखो लास्ट वाला जो मेरा एबीसी फाइल था वो ऐसा दिख रहा है हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट हो जाए जैसे पिक्चर नॉट फाउंड तो इस टैप का भी आप कर सकते हो तो मैं फिर से अपना नोटपैड फ़ाइल पे गई और यहाँ पर मैंने लिखा अल्ट है। अल्ट मीन्स अल्ट, अल्ट जो है इमेज का एट्रीब्यूट है अल्ट मीन्स अल्टरनेट अगर पिक्चर नहीं मिलता है तो उसके अम, अल्टरनेट में इंस्टेड ऑफ़ पिक्चर कुछ मैसेज आना चाहिए तो पिक्चर नॉट फाउंड मैं लिखी हूँ तो वहाँ पे जो एरर दिखा रहा था उस जगह लिखा हुआ आएगा देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करना है जब भी आप चेंज करोगे रिफ़्रेश करोगे जब भी नोटपैड फाइल में चेंज करोगे तो उसको सेव करोगे